हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं और फोटोग्राफी की पिछली कुछ क्लासेस में हमने फोटोग्राफी के बेसिक तीन नियमों को जाना था, जो कि अपर्चर, शटर स्पीड और ISO था। आज हम बात करेंगे एक्सपोजर ट्राइंगल के बारे में। एक्सपोजर ट्राइंगल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। एक्सपोजर ट्राइंगल क्या होता है, अपर्चर, शटर स्पीड और ISO का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एक्सपोजर ट्राइंगल कहते हैं। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं दोस्तों आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखलाऊंगा। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूं कि सबसे पहले हमें अपर्चर रखना पड़ता है एक्सपोजर ट्रायंगल के अंदर, उसके बाद में शटर स्पीड रखनी पड़ती है और उसके बाद में सबसे लास्ट में हमें ISO रखना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपर्चर क्यों रखना पड़ता है, शटर स्पीड क्यों नहीं रखते हम, इसका एक रीज़न होता है। इसका एक बेसिक रीज़न ये है कि हमारे कैमरे के अंदर लाइट किसके थ्रू आती है, लाइट हमारे लेंस के थ्रू आती है और लेंस के अंदर अपर्चर सबसे पहले वर्क करता है। तो हमें कोई भी फ़ोटो या वीडियो शूट करने से पहले हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमें किस तरीके की फ़ोटोग्राफी करनी है। तो दोस्तों, लेकिन बेसिक जो एक्सपोजर ट्रायंगल का जो बेसिक नियम है, उसमें सबसे पहले हमें अपर्चर ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमें कितनी लाइट हमारे लेंस के थ्रू हमें अपने कैमरे के अंदर भेजनी है, तो वो जो कंट्रोल होती है वो अपर्चर के थ्रू कंट्रोल होती है। उसके बाद में शटर स्पीड, हमारे कैमरे के अंदर हमें लाइट कितनी देर के लिए रोकनी है, वो टाइमिंग जो कंट्रोल करता है वो हमारा शटर स्पीड का कंट्रोल करता है। और ISO को दोस्तों हमें नॉर्मली सबसे कम रखना ही चाहिए। और तीसरे नंबर पर ISO इसलिए आता है कि सबसे पहले हमने अपर्चर कंट्रोल करा, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। शटर स्पीड हमने दूसरे नंबर पर रखा है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरे, इन दोनों के बाद में ISO आता है। ISO सबसे कम इसलिए रखा जाता है कि सबसे कम ISO में हमारी फ़ोटो या और वीडियो में नॉइज़ नहीं आती। अगर हम ISO को बढ़ाते हैं तो हमारी फ़ोटो और वीडियो में नॉइज़ आता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में हम ISO की सेटिंग को हम सेट करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा वर्बली मैंने आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में बताया। और दोस्तों, आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आइएगा देखते हैं हम प्रैक्टिकल में कि हम अलग अलग सेटिंग पे जो हमारा ISO, अगर हम अलग रखते हैं, अपर्चर अलग रखते हैं, शटर स्पीड अलग रखते हैं, अलग अलग इन तीनों की जो अलग अलग सेटिंग पे हमारा एक्सपोजर कैसा आता है, तो देखते हैं दोस्तों इसका प्रैक्टिकल करके। दोस्तों, फिलहाल अभी जो मेरे कैमरे की सेटिंग है, वो मेरे कैमरे की सेटिंग है ISO मेरा 500 है, अपर्चर मेरा 1.8 है और 100 मेरा शटर स्पीड है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है कि एक्सपोजर मेरा थोड़ा सा लाइट जा रहा है, तो मैं थोड़ा सा ISO चेंज कर लेता हूँ। और ISO चेंज क्या करना दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि 100 ISO हम रखते हैं तो 100 ISO रखने पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ISO के बारे में मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ISO लो ISO पे और हाई ISO पे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी वीडियो और इमेज में। और ऐसी अपर्चर के बारे में भी मैंने बनाई है वीडियो और शटर स्पीड के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इन तीनों वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में आपको एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जो है मेरे लेंस का मैक्सिमम अपर्चर 1.8 है, तो मैंने मैक्सिमम अपर्चर पे ये अभी रखा हुआ है, जो अपर्चर मेरा मैक्सिमम है। और शटर स्पीड, मैं दोस्तों दूसरे नंबर पे शटर स्पीड आता तो मैं शटर स्पीड चेंज करके यहाँ पर फोटो क्लिक करता हूँ और मैंने जो है यहाँ पर 30 की जो शटर स्पीड है मैंने यहाँ पर रख दिया और मेरा एक्सपोजर बिल्कुल सही है। और एक फ़ोटो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो क्लिक करा है, ये फ़ोटो मेरा जो कैमरे की सेटिंग है 30 मेरी शटर स्पीड है कैमरे की और अपर्चर मेरा 1.8 और 100 ISO है। तो दोस्तों, अब हम दोबारा से अपर्चर चेंज करते हैं, उसके बाद में शटर स्पीड चेंज करेंगे, फिर हम ISO चेंज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं शटर स्पीड कर देता हूँ 1.8 की जगह, जो हमारा प्राइमरी जो लेंसेज बिगनर लेवल के जो लेंसेज और कैमरा होते हैं उनमें 3.5 जो है मैक्सिमम अपर्चर होता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अब मुझे या तो मैं 30 की स्पीड से कम 30 से कम वाली स्पीड पे मैं फ़ोटो खींचो, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 10 की स्पीड पे जो है 1/10 सेकंड की स्पीड पे
मैं यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये मेरा फ़ोटो क्लिक हुआ है 10 की स्पीड पे और 3.5 मेरा जो अपर्चर और 100 ISO है। तो दो दोस्तों ये आपने देखा कि दो अलग अलग यहाँ पर कैमरे की जो सेटिंग में अपर्चर भी अलग है और स्पीड भी अलग है, एक्सपोजर हमारा लगभग सेम सा ही आ रहा है। अब मैं अपर्चर जो है अपर्चर मैं अब यहाँ पर 8 का रखता हूँ दोस्तों। 8 का अपर्चर रखने के बाद मैं अब या तो यह कि स्पीड कम करूँ, तो 10 की स्पीड से मैं कम नहीं जाना चाहता, तो मेरी मजबूरी है मुझे यहाँ पर अपना जो है ISO बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ISO मैंने यहाँ पर बढ़ाया है और यहाँ पर मैं ISO बढ़ाने के बाद में मैं अपना एक्सपोजर चेक करता हूँ। थोड़ा सा लाइट हो रहा है ये, और अभी भी थोड़ा सा लाइट है दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोजर मेरा सही आ रहा है। तो दोस्तों अब 10 की स्पीड पे मैंने ये फ़ोटो खींचा है, अपर्चर मेरा 8 है और 500 मेरी ISO है। अब क्या है दोस्तों, ये तो मैंने कैमरे को स्टैंड पे लगा करके मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। अगर कैमरे को हम स्टैंड पर लगा कर फोटो नहीं खींच रहे होते हैं, तब जो है हमारी जो कैमरे की शटर स्पीड है वो नॉर्मली हमें 100 रखनी होती है। तो अब मैं इसको 100 की स्पीड पे कैमरे की सेटिंग कर देता हूँ, जो कैमरे की अब जो शटर स्पीड है हमारी वो 100 हो गई है। और अब मैं या अपर्चर कम करता हूँ, अपर्चर मैंने बिगिनर लेवल के जो कैमरे हैं ये लेंसेज हैं मैं उन्हीं पे ही आता हूँ, तो अपर्चर हम उसमें जो है 3.5 से कम नहीं जाता है। तो 3.5 मैक्सिमम अपर्चर होता है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक्सपोजर चेक करता हूँ, तो अभी मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क है, और तो इस कंडीशन में मुझे ISO बढ़ाना होगा। अभी भी थोड़ा सा डार्क है दोस्तों, अब मेरा एक्सपोजर सही आ गया है। तो दोस्तों अब जो कैमरे की सेटिंग है, हमारी कैमरे की सेटिंग है 100 हो गया और शटर स्पीड हमारी 100 होगी, अपर्चर जो हमारा 3.5 हो गया और जो है शटर स्पीड हमारी 100 है, अपर्चर हमारा 3.5 है और ISO जो है हमारा 1250 है। अब मैं क्या, अब मुझे जो अपर्चर है 8 का अपर्चर लगाना है, 8 के अपर्चर पे मैं यहाँ पर फोटो खींचता हूँ और मुझे स्पीड अपनी चेंज नहीं करनी, मेरी स्पीड जो है 100 रहेगी। तो इस कंडीशन में मुझे सही एक्सपोजर के लिए फिर से मुझे ISO चेंज करना होगा। तो मैं ISO चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर दोस्तों, देखते हैं ISO लगभग हमारा इक्वल सा आया है। थोड़ा सा लाइट हो गया, यहाँ पर हमारा एक्सपोजर सही है। तो दोस्तों ये अलग अलग सेटिंग पे हमने अपर्चर भी जो है मैक्सिमम अपर्चर पर भी फोटो खींच के देखा है, लो शटर स्पीड पर भी हमने फोटो खींच के देखा है, हाई ISO पे भी फोटो खींच के देखा है, लो ISO पे भी हमने फोटो खींच के देखा है। तो दोस्तों आइएगा देखते हैं इन सारे फोटोज को एक साथ रख के कि लगभग हमारा जो हमने अलग अलग जो हमारा शटर स्पीड अपर्चर और ISO रखा है उनमें लगभग सभी में जो हमारा एक्सपोजर है वो लगभग इक्वल आया है, क्योंकि जो यही सेटिंग होती है, यही एक्सपोजर ट्रायंगल होता है कि तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, हम किसी भी सब्जेक्ट की अलग अलग वैल्यू रख के अपर्चर की, शटर स्पीड की, ISO के अलग अलग वैल्यू रखते हैं, उसके बाद में हमारा जो एक्सपोजर है वो इक्वल आना चाहिए। तो यही एक्सपोजर ट्रायंगल का सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसा कि आपने देखा कि एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है और कैसे काम करता है, हमने एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में जाना है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं। तो दोस्तों देखते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।